कई बार ऐसा होता है कि भरपूर मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है, या फिर आय का कोई निश्चित व नियमित स्रोत नहीं मिल पाता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे साधारण उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि विधि विधान से पूर्वक किए जाएं तो इनकम का स्रोत स्थायी हो जाता है, साथ ही उनमें बढ़ोतरी भी होगी। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे ही उपाय। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नई वीडियो के नीचे दिख रहा लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी के वीडियो, टोटके, टोने, उपाय, हेल्थ से संबंधित नुस्खे के वीडियो बनाते ही रहते हैं। यदि आप बैंक में पैसा जमा करने या निकालने जाएं, तो मन ही मन माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते रहें। यदि लक्ष्मी मंत्र याद ना हो तो विष्णु मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। ऐसा करने से लेन देन में आपको लाभ होगा, साथ ही बैंक में जमा राशि में भी बरकत होगी। नीचे कुछ मंत्र दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, इनमें से किसी भी मंत्र का जाप आप डेली कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को यथाशक्ति जितना संभव हो चावल भगवान शिव के मंदिर ले जाएं। अब अपने दोनों हाथों से जितने चावल हाथों में आ जाएं, शिव जी को उतने चावल अर्पण कर दें और भगवान शिव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी कर लें। जितने चावल के दाने शिव जी को अर्पण किए जाते हैं उसका उतने ही हजार गुना आपको फल मिलता है। अब बचा हुआ चावल गरीबों में बांट दें। यह इनकम बढ़ाने का अचूक और एक लौता रामबाण उपाय है। हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं व नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। इस उपाय से आपके बैंक अकाउंट में धन सदैव पड़ा रहेगा। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या आपकी कोई दुकान है तो आप अपने वर्क टेबल पर मोती के शंख का भी उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी टेबल पर शंख रखें, यह उपाय करने से निश्चित ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। जब किसी महीने के कृष्ण पक्ष में आए तो उस दिन पानी से भरी हुए चार कलस लेकर किसी सुनसान जगह पर जाएं, वहां उन कलशों को रखकर चुपचाप चले आएं। पर ध्यान रखें, आप ही को पता रहना चाहिए कि आपने वहां कलश रखे हुए हैं। फिर दूसरे दिन जाकर जो कलश खाली मिले उसे घर ले आएं, शेष को वहीं छोड़ दें। खाली कलश को घर के एकांत कोने में रखकर रोज उसकी पूजा करें तो उस व्यक्ति पर लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर उसी के घर निवास करने लगती हैं। धन प्राप्ति के उपायों में कई वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है जो माता लक्ष्मी को प्रिय हैं। ऐसी ही एक वस्तु है समुद्र से निकलने वाली कौड़ी। दिखने में यह बहुत साधारण होती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसके उपायों से इनकम बढ़ने लगती है। चांदी के सिक्कों के साथ यदि कौड़ियाँ धन स्थान पर रखी जाए तो निश्चित ही धन लाभ होगा। कौड़ियों को केसर या हल्दी के रंग कर पीले कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखने से लाभ हमेशा होता रहता है। गले में, तिजोरी में या अलमारी में जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ कौड़ियाँ रखने से अचानक धन लाभ बना रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। ऐसे ही टोने टोटके, रोचक जानकारी, टिप्स एंड ट्रिक्स, मिस्टीरियस कहानियाँ, इन सभी की जानकारियों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
क्योंकि हम ऐसी ही रोचक जानकारी के वीडियो बनाते रहते हैं और हर जानकारी आपके लिए है बहुत ज़रूरी। तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और भूल कर भी मत भूलें लाल बटन दबाना।